गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं हो रहा है। जब मनचाहा चली गई और जब मनचाहा वापस आ गई। एक बार तो रूपाली से बात कर लो, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएंगी। मुझे उससे नहीं मिलना। हम भी अपने सुहाग की कसम खा के कहते हैं कि जब तक निहारिका हमें वापस नहीं अपनाएगी, हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, कुछ भी नहीं। आप कभी भी अविश्वास मत करना। I'm so sorry कि मैंने तुम्हें समझने में गलती की। कोई बात नहीं। अगर आप लोग उससे नाराज हो जाओगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दोबारा ऐसा किया तो बहुत मार पड़ेगी। अम्मा, आज तुम्हारी फोन भी नहीं किया। महिला मंडल मोर्चा निकालने वाली है। मामला दबाने की सारी कोशिशें फेल हो गई। पता नहीं आज क्या होगा। तुम लोग तैयार हो ना? जी जी। अम्मा जी, अब बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जीती रहो बिटिया, भगवान तुम लोगों को सफल करें। चले? हाँ, चलो चलते हैं अम्मा। फोन भी नहीं कर रहा है। समझ नहीं आता कहाँ है। हाँ तिवारी बोल। अरे कहाँ ड्यूटी कर रहे हो? अरे कब से मैं तुम्हारा फोन का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बोल बोल।
अरे तो खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, तू आगे बढ़। अरे डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे बस। हाँ, और हाँ सुन, मेरे आदेश का पालन करना, जैसा मैं कहता हूं वैसा करना। हाँ, और पल पल की खबर मुझे देते रहना, ठीक है? ठीक है, चलो। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा प्रणाम, रखो रखो फोन रखो, चलो ठीक है। वर्षा, क्या हुआ पिताजी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। हाँ वर्षा, परेशानी की ही बात है। निहारिका जी और उनकी सहेलियों के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। क्या पुलिस ने लाठी चार्ज? बाबूजी आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ निहारिका जी को? निहारिका जी अपने साथियों के साथ एक जनमोर्चा लेकर पुलिस मुख्यालय और गृह मंत्रालय पर जा रही थी। उनकी इस मुहिम में तुम्हारे कॉलेज की बहुत से छात्र और छात्राएं भी शामिल थी। कृपाशंकर के आदेश पर पुलिस इंस्पेक्टर ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया और काफी लोगों को चोटें आई। क्या? जब जब धरती पर पाप होता है तब तक भगवान उस पाप का अंत करने के लिए और उस पापी का अंत करने के लिए भगवान किसी को भेजते हैं। निहारिका जी ईश्वर की भेजी हुई एक प्रतिनिधि है, मुझसे गलती हुई, मैं उसको पहचान नहीं पाया। शर्म आती है मुझे अपने आप पर, जो उनकी शक्ति को पहचान नहीं पाया, उनका साथ नहीं दे पाया। आज निहारिका जी हमारी लड़ाई लड़ रही है। क्या रिश्ता है हमारा और उनका? हम यहाँ डरे और सहमे कायरों की भांति अंदर छुपे बैठे हैं और वो बाहर सड़क पर अपना खून बहा रही है हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ना, ताकि किसी गुनाहगार को सजा मिले, किसी बेकसूर को सजा ना मिले। बाबूजी, लानत है ऐसी जिंदगी पर। जिंदगी भर मैं सिद्धांतों, वसूलों और आदर्शों की बातें करता था, मगर जब इन बातों पर खड़ा उतरने का वक्त आया तो मैं पीछे भाग गया। बहुत नाज था मुझे खुद पर, लेकिन आज खुद अपनी नजरों में ही गिर गया, अपनी ही नजरों में गिर गया। अभी तक तो वो लोग नहीं आई है, अब हाजी आएगी तो हम बता देंगे आपको फोन करके। हाँ रूपाली बिटिया, अरे क्या हो गया, अरे तुम सबको क्या हो गया? अब मुझे कुछ भी नहीं हुआ अम्मा, आप चिंता मत करिए अम्मा, सब ठीक है। अरे बिटिया तुम सबके सब, अरे बैठो आराम से, सब आ सब बैठो बैठो बैठो, हम अभी पानी लाते हैं, आराम से बैठो। भगवान, अरे पर हुआ हुआ क्या है बिटिया, बताओ तो सही। हेलो हेलो रूपाली, कैसी हो तुम? न्यूज में देखा तो पता चला कि तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंड्स को काफी चोटें लगी। नहीं नहीं विपुल, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान मत होइए। अरे कैसे ना परेशान हो, तुम जानती हो कि अगर तुम्हें खरोच भी आ जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, और अभी तो शायद तुम्हें काफी छोटे लगी, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। नहीं विपुल, आपको यहाँ पर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं विपुल, हम सच बोल रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। पर आपका प्यार और सहयोग तो हमेशा मेरे साथ रहेगा ना विपुल,
जब एक अच्छे काम में सहयोग किया जाता है तो रुकावटें कठिनाइयां तकलीफें तो आती ही हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट अच्छा निकलता है ना तो सारी तकलीफें दुख दूर हो जाती है। बिल्कुल, आपको पता है कमिश्नर ने प्रशांत की गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है। हमारे जीत की शुरुआत तो हो चुकी है बिल्कुल, और इस वक्त तो आपको हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप तो हमें कमजोर बना रहे हैं। आपको पता है हमारी सहेलियों के भी परिवार हैं, सभी ने उनके काम की सराहना की है, उनकी हौसला अफजाई की है, फिर मेरा पति इतना कमजोर और इतना डरपोक नहीं हो सकता। बोलिए विपुल। आपकी जीत के लिए हम भी खुश हैं रूपाली, लेकिन आप जानती हैं अगर आपको जरा सी भी तकलीफ पहुंचे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। प्यार करते हैं हम आपसे रूपाली। बिल्कुल, हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फोन रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय। शंकर के आदेश पर तिवारी जी ने हम सब पर लाठीचार्ज किया। इतना ही नहीं, काफी सारे मासूम विद्यार्थियों को भी काफी चोटें आई हैं। लेकिन वो लोग चाहे कुछ भी कर लें, हम अपनी लड़ाई नहीं रोकेंगे। हेलो जी, नहीं बिल्कुल ठीक हूँ मैं जी। जो कहा गया वो बयान दो, इसमें तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की लड़ाई है। तुम्हारी एक गलती ने उस मासूम नौजवान को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। निहारिका जी और उनकी सहेलियों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आज निहारिका जी हमारी लड़ाई लड़ रही हैं। क्या रिश्ता है हमारा और उनका? वर्षा, कौन हो तुम? मैं तुम्हारे अंदर की आत्मा हूँ, तुम्हारा ही अंश हूँ। मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि कब तक तुम मेरा गला घोटोगी? मैं बार बार तुम्हें समझा रही हूँ कि उठो, चलो, निहारिका जी के साथ आगे बढ़ो और अपने गुनहगार को सजा दिलवाओ, लेकिन तुम बार बार मेरी बात को अनसुना कर रही हो। हाँ,
अनसुना करती हूँ, लेकिन इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ते बनाने से बनते हैं वर्षा, जहाँ चाह वहाँ राह। निहारिका जी को ही देख लो, अकेले चल पड़ी थी मंजिल को पाने, और देखो कारवां बनता गया। तुम्हारे कॉलेज के विद्यार्थी, जिनमें से कुछ को तुम जानती पहचानती तक नहीं हो, वो तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, और एक तुम हो जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, कायर बनके चुपचाप तमाशा देख रही हो। डरने वाले को दुनिया डराती है, लड़ने वाले को दुनिया झुकाना चाहती है, यही जग की रीत है। वर्षा, तुम्हें एहसास भी है कि एक सच को छिपाकर कितना बड़ा अनर्थ किया है? कृपाशंकर जैसे नेता जो कल अपनी शक्ति और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करेंगे, प्रशांत जैसे बदिमाग लड़कों को बढ़ावा मिलेगा, और इंस्पेक्टर तिवारी जैसे भ्रष्ट रक्षक समाज में भले लोगों का जीना मुहाल कर देंगे, तो मैं क्या करूं? सच और झूठ तराजू के दो पड़ले की तरह होते हैं वर्षा, अभी तुम्हारे बयान से झूठ का पड़ला भारी हुआ है। अगर तुम चाहो तो ये पड़ला सच्चाई का भी हो सकता है। फैसला तुम्हें करना है। वर्षा बेटा, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? कोई आया था क्या? सब कुछ ठीक तो है बेटा? अभी तक तो कुछ भी ठीक नहीं था, पर अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं था, ठीक हो जाएगा, तू क्या बोल रही है बेटा? मैंने अभी अभी एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय बेटा? मैं निहारिका जी का साथ दूंगी। बाबूजी, मैं अपना बयान इंस्पेक्टर तिवारी के सामने नहीं, पुलिस कमिश्नर के सामने उनके ऑफिस में देना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आज एक गुरु को बिना मांगे ही गुरु दक्षिणा मिलती। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है विजय। अरे कमिश्नर ने तो बबुआ को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया है, समझ नहीं आता क्या करूं। कुछ तो करना ही होगा। ना, ऐसा नहीं हो सकता। अरे नेताजी, एक बहुत ही बुरी खबर। क्या बात है? पुलिस आई है क्या बबुआ के लिए? अरे नहीं नेताजी, वो वर्षा और उसका बाप। क्या उस छोकरे की इतनी हिम्मत? चीटी चली हाथी से मुकाबला करने? नेताजी, अब चीटी दिखने में छोटी जरूर होता है, लेकिन जब हाथी के सूंड में घुस जाते हैं ना, तो धरती हिल जाती है, जो जो हिलने लगत है। अरे बंद कर अपनी बकवास। नेताजी,
अब आप कहाँ करिए? अगर उस वर्षा बिटिया को ना रोका गया तो फिर अपना बबुआ तो समझ गए ना आप, हाँ वो तो। अरे हमारे होते हुए हमारे बबुआ को कोई छू भी नहीं सकता। अब हमें वर्षा की जरूरत भी नहीं है, उसको जितना बयान देना था दे चुकी। अरे सांप को जितना भी दूध पिलाओ वो जहर उगलना नहीं छोड़ता, इसलिए हमें कुछ करना होगा कि सांप ही मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुन बलवंत, तुम्हारा मौत ये लो अंदर क्यों जा रहे हैं? क्या है ये सब तिवारी, क्या है? हम प्रशांत को हिरासत में लेने आए हैं।